हाय शेफाली, कंग्रेचुलेशंस. आप लोगों को एक बड़ा विन चाहिए था और मिल गया, जिसमें आई थिंक आपका जो ओपनिंग पार्टनरशिप था उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व था, ताकि बाकी आने वाले बैटर्स को एक प्लेटफॉर्म मिल सके. और ये कोई पहली बार नहीं है, इस साल में या पिछले दो साल में जो आपने और स्मृति ने किया है टीम को क्रंच सिचुएशन में. आप लोगों का जो तालमेल एकदम से बैठा है, एकदम से पहले हम कहते थे कि स्पेस को स्मृति संभाल लेगी और स्पिन को शेफाली संभाल लेगी, लेकिन अब हम शेफाली स्मृति को भी देखते हैं, वो स्पिनर्स के अगेंस्ट भी उतनी ही स्ट्रांग है. तो उसके बारे में आप थोड़ा मेरे को बताएंगे कि यू नो, वॉचिंग स्मृति फ्रॉम दी अदर एंड टेकिंग ऑन स्पिन, जो कि एक टाइम पे सिर्फ आपका रोल कहा जाता था. या यस, अभी बहुत अच्छा तालमेल हो गया जैसे आपने बोला. वो इसलिए हुआ है क्योंकि हम अभी पहले से प्री डिटरमाइंड होके नहीं जाते हैं. जिसका भी बैट पे उस दिन अच्छी लग रही है, बस हम कोशिश करते हैं कि सिंगल दें, उसको ज़्यादा बॉल खेलने दें. एंड या शी इज़ हिटिंग वेरी वेल इन द स्पिनर, सो बहुत अच्छी बात है. एंड हम दोनों बस यही कोशिश करते हैं कि जितना अच्छा स्टार्ट दे पाएँ टीम के लिए उतना अच्छा रहेगा. और अच्छा इनिंग बिल्ड होता है और अच्छा टारगेट जाता है, तो हमारा बस यही रहता है कि यू नो, जस्ट डू वेल फॉर आवर टीम एंड अपनी स्ट्रेंथ को बस बैक करें. और आज क्या ओपनिंग हमारी पेयर, जब हरमन ने बैट पहले ऑप्ट किया था कि बैटिंग करेंगे पहले, तो क्या ओपनिंग पेयर को कुछ कहा गया था कि आपको इस टारगेट को माइंड में रख के खेलना है, एज इन पर ओवर रेट को माइंड में रख के खेलना है, कुछ ऐसा आपको बोला गया था? या ऑफ कोर्स, ये आई थिंक बोलने की बात नहीं है. हम सबको पता है कि NRR चल रहा है एंड उस हिसाब से हम खेलते रहते हैं. और अभी आई थिंक अब आप इंडियन टीम में खेल रहे हो, आपको बताने की जरूरत नहीं रहती कि आप NRR से नीचे हो या जो भी, बिकॉज everyone इज़ वेरी मैच्योर एंड everyone इज़ सीइंग everything. सो आई थिंक ये बोलने की बात नहीं है, बट हमारे माइंड में है ऑफ कोर्स NRR और उस पर हम फोकस रखेंगे. बहुत ही बढ़िया नॉक रहा है शेफाली आज के लिए. कंग्रेचुलेशंस आगे की मैच के लिए, ऑल द बेस्ट. आज का जो आप दोनों का स्मृति का एक्सटेंशन वही क्वेश्चन का है कि बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा था कि रनिंग बिटवीन द विकेट का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, पर वो आज बहुत अच्छे से दिखा. तो सवाल ये है कि आप दोनों उसके लिए कॉन्वर्सेशन क्या रहता है एक दूसरे का, जब अच्छी पार्टनरशिप जा रही है तो, और कई प्रैक्टिस होती है रनिंग बिटवीन द विकेट्स की आप में, क्योंकि पहले जो हो रहा था दोपहर की मैच थी, बहुत कंडीशन भी बहुत ही डिफ़िकल्ट थी, तो एक्सपेक्टेड था कि वो कम हो जाएगा, पर तब से बात क्या हुई है आप दोनों में, स्पेशली रनिंग बिटवीन द विकेट्स के बारे में? या ऑफ कोर्स, जैसे आपने बोला स्टार्टिंग के उसमें हमारे बहुत से रन मिस हो गए थे, आई नो अबाउट दैट, और सभी बैट्समैन को वो माइंड में भी है. और अभी आई थिंक कंडीशन के साथ हम थोड़े यूज टू हो चुके हैं, मे बी बिकॉज ऑफ दैट अभी अच्छी रनिंग हो रही है रनिंग बिटवीन. बट बस ये कोशिश करते पहला रन तेज लें, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा ग्राउंड है, 70 मीटर्स है इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो यही कोशिश है, पहला रन तेज लें. छक्का मारना है बहुत मुश्किल हो रहा है, बट पहला रन तेज लेने की सोच रहे हैं. ये तो आज की आपकी कंडीशन की बात हो रही है, तो पहले दो मैचेस के कंपैरिजन में आज कैचेस भी बहुत अच्छे गए, फील्डिंग भी बहुत अच्छी हो गई थी, तो मुनीस का सर का तो काम है ही, इतना दिख ही रहा है पहले से ज़्यादा. तो आपके साइड से इसमें क्या एफर्ट्स हो रहे थे, क्योंकि हमने स्पेसिफिकली रिचा को हाई कैचिंग प्रैक्टिस करते हुए बहुत देखा है, तो आप बाकियों के साइड से क्या प्रैक्टिस हुई थी स्पेशली फील्डिंग के पर्सपेक्टिव? जब भी हम एक मैच खेल के जाते हैं, जो भी हमसे मिस्टेक्स होती है, हम कोशिश करते हैं कि अपने फील्डिंग कोच के साथ उसी चीज़ में मेहनत करें. जैसे आपने बोला कि रिचा ने हाई कैचिंग की, ऑफकोर्स वो उससे मिस्टेक हो एंड शी नो शी हैव टू गो एंड शी हैव टू डू प्रोसेस मोर एंड मोर. और आई थिंक अभी हम अभी फील्डिंग की प्रोसेस में बहुत वर्क कर रहे हैं, सब इंडिविजुअली जा रहे हैं और फील्डिंग कर रहे हैं, बिकॉज वी नो दिस वर्ल्ड कप, अभी हमें पूरा 100% देना बहुत इंपॉर्टेंट है. और बस उस पर फोकस है, हम प्रोसेस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि जितना अच्छा प्रोसेस रहेगा उतना अच्छा रिजल्ट आएगा. तो बस यही दिमाग में जाके फील्डिंग करते हैं. जब भी प्रैक्टिस सेशन होता है, सभी एटलीस्ट 30-40 कैच तो हमेशा पकड़ते ही हैं, कोशिश करते हैं. सो यही चल रहा है. हाय, लास्ट दो मैचेस में आप लोग थोड़ा स्ट्रगल किए बैटिंग में, तो आज आप फ्लंट लग रही थी, लेकिन स्मृति इनिशियली थोड़ी स्ट्रगल की. अभी आप अगला मैच शारजा में होगा, वहाँ आप खेले नहीं हैं, ऑस्ट्रेलिया के सामने हैं, तो क्या रणनीति होगी?
सी हमेशा ओपनिंग में आई थिंक एक स्ट्रगल करता है, एक मारता है, और अगर कोई स्ट्रगल नहीं करेगा तो आई थिंक ये रन 200 बनते 250 बनते. तो बस यही कोशिश रहती है जिसके बैट पे ज़्यादा अच्छा बॉल लग रहा हो दूसरे को स्ट्राइक दें. और शारजा के लिए हमारा यही रहेगा, हमारे 3 दिन अभी ऑफ है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सो प्रोसेस पे उस टाइम वर्क करेंगे जो जो जिसको लग रहा है और किस के क्या करके हम कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, हम वही प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे एंड होपफुली हम सब इंडिविजुअली अगर अपना 100% देंगे तो हम ऑफकोर्स जीतेंगे. हाय शफाली, कंग्रेचुलेशंस. हमने देखा था कि यू हैड स्पोकन टू द ब्रॉडकास्टर एंड सेड कि चमरी इज गोइंग टू बी समबडी जो आप टारगेट करोगे बिकॉज वो टीम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. उनके लिए प्लान्स क्या थे, आज आप कुछ बता सकते हो जस्ट इन टर्म्स ऑफ इवन विथ हर बोलिंग एंड हर बैटिंग हाउ डिड यू प्लान फॉर हर? Yeah, of course. We all know how she batting and she is very good for herself, for her country. And बस यही था हमारा कि bowling meeting में चल रहा था where she is strong, where she is weak. तो अभी उसके जो पिछले मैच थे वो काफ़ी देखे थे, उस पर ध्यान दिया था और जो भी लगा bowling coach ने बताया bowlers को. And I think bowlers ने भी बहुत अच्छे, I think wicket में भी थोड़ा help मिल रहा था और bowlers ने भी काफ़ी अच्छा rhythm से डाला, बहुत अच्छे lengths डाले. So I think because of that विकेट थ्रो हो गया, वो श्रृंखला ने बहुत अच्छा बॉल डाला, सो रियली हैप्पी उसने विकेट लिया अटावाटू का.